ये देखो। तो गैस आज की इस वीडियो में हम गोबर गैस बनाना सीखने वाले हैं, मतलब जिसे बायोगैस भी बोला जाता है। तो गैस यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो जिसमें एक थोड़े से गोबर से बहुत ज्यादा बायोगैस बना के दिखाई जाती है। तो गैस उन वीडियो कितनी सच्चाई, वो वीडियो फेक है या फिर वो पूरी सच्ची है? तो गैस सच में थोड़े से गोबर से इतनी सारी बायोगैस बनाई जा सकती है या फिर वो जो वीडियो वो सारी फेक है? तो गैस वही सब जानने के लिए आज हम खुद घर पे ट्राई कर रहे हैं कि गोबर गैस सच में काम करती है या फिर नहीं। तो चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाकी मैं आपको बताता हूँ कैसे आप घर पे गोबर गैस बना सकते हो जो कि एलपीजी गैस की तरह काम करती है। चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गैस हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है इस प्रकार की बोतल की। तो गैस हमारे पास एक ये बोतल है और एक हमें जरूरत पड़ती है आईवी सेट की, जो कि मेडिकल से आपको 10 रुपए में आसानी से मिल जाएगा, बाकी आप यूज किया हो भी ले सकते हो फ्री में। सबसे पहले हमें इस प्रकार की बोतल ले ली जिसके हमें कुछ इस प्रकार से छेद कर लेना है और इसको जो कुछ इस प्रकार से इसके अंदर पसा लेना है। तो गैस इसको अच्छे से पैक कर लेना ताकि इससे इसके अंदर से हवा पास नहीं हो, क्योंकि हम इसमें ही डालेंगे गोबर को मिक्स करके। तो गैस इसको अच्छे से पसा के फिर इसके फेविक्विक डाल लेना, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल भी हवा पास नहीं होनी चाहिए। तो गैस आप फेविक्विक या फिर एमसील भी लगा सकते हो, यहाँ पे मेरे पास फेविक्विक, मैं फेविक्विक लगा रहा हूँ। तो गैस ये पूरी तरीके से चिपक चुका है, तो अभी साइड में रख लेते हैं हम। तो गैस उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है कुछ गोबर की। अगर आपको बड़ी मात्रा में करना है तो आप ज्यादा गोबर भी ले सकते हो, तो इसको डाल लेते हैं किसी बर्तन में। तो हमारे पास ये बाल्टी है, इसमें डाल लेते हैं हम, ये देखो। तो गैस हमने गोबर को इसमें डाल दिया है, अब इसके अंदर पानी डाल लेते हैं। तो गैस अब इसको अच्छे से घोल लेना, पास से दिखा दे भी थोड़ा। तो गैस अब इसको अच्छे से घोल लेना है। तो गैस आप किसी गोचे की मदद से भी घोल सकते हो, बाकी मेरे पास ये पन्नी है तो मैं हाथ में ये पन्नी पहनकर इसकी मदद से इसको घोलूंगा। चलो तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर इसको बोतल में डालना देखा भी। तो गैस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये बिल्कुल भी मोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मिक्स हो जाना चाहिए इसमें, बिल्कुल पतला कर लेना पूरे को रबड़ी की तरह, फिर बोतल के अंदर हम भरेंगे। चलो तो इसको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं, फिर डालते बोतल के अंदर। ओके, आप और पतला भी कर सकते हो इसको। तो गैस अभी ये अच्छे से मिक्स हो चुका पूरा, तो अब इसे बोतल में डालते हैं। ओके, तो गैस चलो अब इसमें गोबर डालते हैं। गोबर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, चलो अब इसमें गोबर भरते हैं। तो गैस आप कीमे की सहायता ले सकते हो, इस प्रकार से हमने काट के बोतल का बना लिया है, तो इसकी मदद से हम गोबर डालेंगे अब इसके अंदर। ओके, पूरा पतला कर लेना ताकि बोतल में अच्छे से चला जाए, बाकी ये अटकेगा। तो गैस चलो हम इसको भर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ओके, तो गैस इस प्रकार से आपको भर लेना है। तो गैस पूरी भर चुकी है, देख लो, इतनी सी आपको खाली रखनी है ताकि इसमें आपकी गैस इकट्ठा हो सके, ठीक है? और फिर थोड़ा सा इसको ऐसे पिचका लेना ताकि गैस सभी इकट्ठा हो तो इसमें भर जाए। और अब आपको इस कैप को आपको टाइट कस लेना है ताकि इसमें से गैस बिल्कुल लीकेज नहीं हो। तो गैस अब जो भी गैस बनेगी इसमें इकट्ठा हो जाएगी, बाकी हमने आईवी सेट के नोजल को पूरा जोर से कस लेना है इस प्रकार से, ऊपर आगे तक अड़ा देना ताकि इसमें से बिल्कुल भी गैस लीकेज नहीं हो। ओके, तो गैस यहाँ से हम फेविक्विक डाल दिया है, अब थोड़ी सी एमसील लगा देते हैं इसके साइड में। तो गैस इसको अच्छी तरीके से लगा लेना है ताकि इससे बिल्कुल भी गैस जो लीकेज नहीं हो, जो बायोगैस हमारी बने वो बिल्कुल भी लीकेज नहीं है। थोड़ी सी यहाँ भी लगा लेते। तो गैस हमने बोतल को अच्छी तरीके से पैक कर दिया है ताकि जो भी गैस बने उससे बिल्कुल भी लीकेज नहीं हो, और आईवी सेट को इसको पूरा टाइट कर दिया है। तो गैस चलो 5-6 दिन तक हमें वेट करना होगा, 5-6 दिन तक इसको ऐसे हम रख देंगे, ऐसे छोड़ देंगे, 5-6 दिन बाद में चेक करेंगे कि बायोगैस बन पाती है या फिर नहीं। तो चलो इसको 5-6 दिन तक रख देते हैं, फिर वापस चेक करेंगे। ओके, तो गैस आज फाइनली पूरे 7 दिन हो चुके हैं हमारी इस बोतल को, और 7 दिन तक ना हमने इसे बिल्कुल छेड़ा भी नहीं, ऐसे ऐसे रखी हुई थी। तो चलो इसे चेक करते हैं कितनी जो गोबर गैस की सच्चाई चेक करने वाला, मतलब वाकई में कितनी क्या गोबर गैस बनेगी, तो चलो लगा के देखते हैं। तो गैस ये देखो पूरे 7 दिन हो चुके आज, और आज हम इसे देख रहे हैं जैसे हमने रखी थी, बिल्कुल छेड़ी भी नहीं वापिस। और आज ये आपके सामने इस वाले नोजल को हम खोलेंगे और आपके सामने इसको लगा के दिखाएंगे कि कितनी क्या जो गोबर गैस बनी है या फिर नहीं। तो चलो जो भी ये देखते हैं अभी, तो वीडियो में बताते हैं कि बहुत ज्यादा देर तक ये लगती रहती है, तो आज पता चल जाएगी इसलिए कि इतनी सी बोतल से कितनी ज्यादा गोबर गैस बन सकती है, ठीक है? वैसे आप देख लो बिल्कुल वैसा है जैसे कि हमने रखी थी पैकिंग करके, एमसील लगा के, ये देखो पूरा एमसील बिल्कुल पैक अच्छी तरीके से। तो गैस चलो इसकी टेस्टिंग करते हैं, हम खोलते हैं नोजल को और देखते हैं जो ये जो गोबर गैस को बन पाई या फिर नहीं। तो आजा भाई इधर आ, तो ये भाई आजा पास आजा। तो चलो हम इसको टल लेते हैं, ये ऊपर से कैप उठा दिया, अब ये थोड़ी जलाएगा जैसे मैं बोलूंगा इसको, नोजल को खोलूंगा और मैं जो गोबर गैस कितनी क्या बन पाई जैसे लगा, थोड़ी लगा
गैस ये देखो नोजल हमने खोल दिया है और आप देख सकते हो कितनी पूरा खोल दिया हमने। गोबर गैस बनी होती तो यहाँ से आग लगती, ये देखो बिल्कुल भी आग नहीं लग रही, मतलब कि बनी तो है थोड़ी सी, आपको दिखी नहीं होगी कैमरे में अच्छे से, बट इतने से बोतल से हम गोबर गैस मतलब कि इतनी ज्यादा गोबर गैस नहीं बना पाते। मतलब कि अगर ऐसा होता तो सभी ऐसे ही करने लग जाते, इतनी सी गोबर से अगर इतनी ज्यादा गोबर गैस बनती तो सभी गोबर गैस बनाने लग जाते। तो गैस चलो अभी आपको मैं बताता हूँ गोबर गैस की सच्चाई, जो आपको यूट्यूब पे वीडियो दिखाते वो कैसे आपको पागल बनाते। तो गैस ये है कैल्शियम कार्बोनेट की, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ इसकी क्या सच्चाई। आपने देखा कि हमने 7 दिन पूरा वेट किया इसका और 7 दिन बाद में बिल्कुल हमने चेक किया तो मतलब नाक के बराबर गोबर गैस जो बनी। तो गैस अभी आपको दिखाते जो गोबर गैस बना के बताते यूट्यूब पे बोतल के अंदर तो कितना जो फेंक उसकी सच्चाई बताते। तो गैस ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, अभी इसको हम डाल रहे हैं इसके अंदर, आप देखना। तो गैस अब ज्यादा मत डालना वरना ये बोतल फट भी सकती है। फटाफट से इसको पैक कर लेते हैं हम। तो गैस ये देखो हमने इसको टाइट कर दिया है, ये बोतल टाइट होने लग गई है, ठीक है। तो अभी आपको दिखाते हैं मतलब बायो गोबर गैस की सच्चाई, ठीक है। तो अभी हम इसे लगा के देखते हैं। ओके माचिस है क्या? तो अभी चला माचिस। तो गैस चलो मैं आपको नोजल वोल बताता हूँ कैसे आपको मतलब कि गोबर गैस का बोल के पागल बनाते, अभी देखना आप। ये देखो किस प्रकार से आपको पागल बनाते हैं, ये देखो। तो गैस ये इसकी सच्चाई, ये कोई गोबर गैस नहीं है, इसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट डाला था आपके सामने, तो यही इसी प्रकार से आपको यूट्यूब पे पागल बनाते हैं। ये देखो जैसे मैं इसको और खोलूंगा ये तेज से जलेगा। ये देखो गैस तो गैस ये कोई बायोगैस यानी कि गोबर गैस नहीं है। अगर इतने से गोबर से इतनी ज्यादा बायोगैस बनती यानी कि गोबर गैस बनती तो आज हम सभी घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर की जगह बायोगैस इस्तेमाल कर रहे होते, यानी कि गोबर गैस इस्तेमाल कर रहे होते। तो गैस ऐसा नहीं है कि गोबर गैस नहीं होती है, गोबर गैस होती है, बट उसके लिए बहुत बड़े प्लांट लगाने होते हैं। इतनी सी बोतल में इतनी ज्यादा गैस बनना इम्पॉसिबल है, हम माना कि थोड़ी बहुत बन सकती है। गैस अब आपको जो भी बोतल से इतनी ज्यादा बायोगैस बना के दिखाई जाती है उसकी सभी की सच्चाई आपको पता चल गई होगी। तो गैस मैं चाहता तो आपको भी पागल बना सकता था, बट मेरे को पता है मेरी जो व्यूअर्स हैं उनको हमेशा सच्चाई बतानी है, तो ये सब मैंने आपके लिए। तो गैस मैंने आपको सच्चाई दिखाने के लिए इस वीडियो को पूरा 7 से 8 दिन वेट करके बनाया, तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। चलो इसको पूरा खोल लेते हैं। तो गैस फाइनली अब जो गैस खत्म होगी। ओके तो गैस नॉर्मल सी वीडियो थी और ये थी गोबर गैस की सच्चाई जो कि हमने आपको बताई, पूरी रियल सब कुछ सच बताया है। तो गैस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, बाकी आपको पता चल गया है कैसे आपको यूट्यूब पर पागल बनाते फेक वीडियो दिखा के, ये जो सारा कैल्शियम कार्बोनेट का कमाल है। तो चलो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो गैस ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसी मजेदार वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें। तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना है कोई पैसा नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। ओके बाय बाय।